गाइस, मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ राजस्थान के अलवर से जयपुर जिले के बीच में पड़ने वाले विराट नगर, और विराट नगर में है दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी, जो कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। तो मैं अब आपको लेकर चलता हूँ नसिया जी जैन मंदिर, तो चलिए मेरे साथ और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ दिगंबर जैन नसिया मंदिर, जो कि राजस्थान के अलवर से जयपुर मार्ग पर पड़ने वाले विराट नगर क्षेत्र में पड़ता है। देख सकते हैं ये भव्य विशाल मंदिर, जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध टेंपल है। यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। जैन धर्म के अलावा हिंदू धर्म से संबंधित यात्री भी इस मंदिर में आते हैं। बड़ा ही भव्य और प्राचीन मंदिर है ये जैन मंदिर। देख सकते हैं जैन मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों के नाम इस मंदिर में एक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मंदिर अंदर से काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्राचीन है और साफ सफाई का पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। मंदिर के अंदर 20 कमरे हैं, 3 हॉल हैं और एक भोजनशाला भी है। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, खाने पीने की चीज़ें भी इसी भोजनशाला में बनती है। अंदर से काफ़ी अच्छा और सुंदर बनाया हुआ है। गार्डन भी है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की यहाँ पर चरण पादुकाएँ लगाई गई है। दूर से ही आप देख सकते हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। पीछे की साइड पहाड़ियाँ हैं, अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ ये दिगंबर जैन मंदिर नसिया जी, जो कि विराट नगर में है, अपने आप में ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, उनमें जो प्रथम तीर्थकर रहे हैं भगवान ऋषभदेव, उनकी प्राचीन और भव्य प्रतिमा इस मंदिर में लगी हुई है। मंदिर में सुबह शाम आरती का आयोजन किया जाता है, दूर दराज से लोग इस आरती में शामिल होते हैं। मंदिर के गार्डन में फव्वारे लगे गए हैं, लाइटिंग की गई है ताकि ये शाम के समय, रात के समय में जब ये लाइट चालू की जाती है तो ये जैन मंदिर दूर से ही चमचमाने लगता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये मंदिर खास मार्बल पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर में जैन धर्म से संबंधित 24 तीर्थकरों की यहाँ 24 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। ये जैन मंदिर लोगों को अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित करता है। सामने ही भीमगट्टा का मंदिर है, जो कि विराट नगर का फेमस हिंदू धर्म का मुख्य मंदिर है। पास में ही विराट नगर शहर बसा हुआ है। कहा जाता है कि कभी जिस जगह ये नसिया जी का जैन मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता था, क्योंकि पास में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। देख सकते हैं ये चरण पादुकाएं हैं, जो कि खास लाल पत्थरों से बनाई गई हैं, और ये जो चरण पादुकाएं हैं ये जैन धर्म के 24 तीर्थकरों की बनाई गई हैं। और इस गार्डन को देख सकते हैं, ये गार्डन को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं महावीर स्वामी की एक प्रतिमा लगाई गई है, जो इस गार्डन में लगी हुई है, काफ़ी सुंदर लग रही है। खास पत्थर से इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए हैं, उन तीर्थकरों में से प्रथम तीर्थकर रहे हैं भगवान ऋषभदेव, जिनकी जन्म स्थली अयोध्या रही है। तो फ्रेंड्स, इस जैन टेंपल के अंदर भी भगवान ऋषभदेव की बहुत बड़ी प्राचीन प्रतिमा है और सैकड़ों वर्ष पुराना ये नसिया जी का जैन मंदिर है, और फेमस मंदिर होने के साथ साथ ही यहाँ के जैन धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में आते हैं। गार्डन में सुंदर सुंदर फूलों के फलों के पौधे लगाए हुए हैं। बताया जाता है कि विराट नगर का ये नसिया जी जैन मंदिर करीबन 150 साल पुराना है। पास में ही अलवर शहर है और जयपुर शहर है।
अलवर से करीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये नस्या जी जैन मंदिर, और जयपुर से करीबन 80 किलोमीटर दूर है ये नस्या जी का जैन मंदिर। काफ़ी सुंदर है, जयपुर और अलवर से काफ़ी अधिक संख्या में जैन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, साथ में और धर्मों से जुड़े हुए लोग भी इस जैन मंदिर में आते हैं। शाम के 6 बजे ये मंदिर खुलता है, दोपहर के 12 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है। फ्रेंड्स, ये विराट नगर की जो नगरी है ये हिंदुओं के लिए खासा महत्व रखती है। पांडवकालीन ये विराट नगरी हिंदू धर्म से जुड़े हुए 5 पांडवों की कर्म भूमि रही है। जब उन्होंने अज्ञातवास यहाँ पर बिताया था तब उन्हीं का ये कर्म क्षेत्र रहा है, और पास में ही ये जैन धर्म का तीर्थ स्थान भी रहा है। कई धर्मों से जुड़े हुए यहाँ पर तीर्थ स्थान हैं। जब मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि यहाँ पर जो ये जैन मंदिर है ये देखने को मिला। फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पर ज़रूर आइएगा, जब भी आप विराट नगर से निकलोगे तो इस जगह आप इस जैन मंदिर को देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आइए। फ्रेंड्स, हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि और दूसरे धर्मों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जंगल का एरिया है ये थोड़ा घना एरिया है, जब भी आप आए तो पहाड़ी एरिया से आपको थोड़ा सा अंदर की तरफ आना पड़ेगा। विराट नगर से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर भीमगट्टा एक जगह है, वहाँ पर पास में ही ये नस्या जी जैन मंदिर है। अत्यंत ही भव्य और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये नस्या जी का जैन मंदिर अनायास ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फ्रेंड्स, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर आइए और इस नस्या जी जैन मंदिर के दर्शन करिए। जैसे ही हम जैन मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो जैन धर्म से जुड़े हुए जो अनुयायी हैं उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। देख सकते हैं मंदिर के बाहर घोड़े खड़े हुए हैं जो बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हम ऐसे तीर्थ स्थानों पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, विराट नगर का नस्या जी जैन मंदिर हजारों लाखों जैन धर्म से जुड़े हुए तीर्थकरों की मुख्य पसंद है। तीर्थकर अर्थात जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी ये प्रमुख पसंद है। जैन धर्म के लोग ही नहीं अपितु और धर्मों के लोग भी इस जैन मंदिर में दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर में जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हुए हैं उन सभी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। फ्रेंड्स, आप जब भी विराट नगर आए तो इस जैन टेंपल में ज़रूर आए। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ और फिर मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं चलता हूँ अब, टेक केयर, बाय बाय।